नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मम्मा एंड बेबी पर। दोस्तों आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो ये है कि क्या भारतीय शैली के जो शौचालय होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान यूजफुल होते हैं या नहीं, क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान ठीक है यूज़ करना या फिर वो प्रेगनेंसी के दौरान यूज़ नहीं करना चाहिए, क्या पाश्चात्य शैली में बने शौचालय प्रेगनेंसी के दौरान ठीक है या फिर नहीं है, तो इसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय शैली में बने हुए शौचालय के बारे में, क्या वो प्रेगनेंसी के दौरान सेफ है या फिर नहीं। अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान भारतीय शौचालय का यूज़ करते हैं तो वो काफ़ी आपके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि इससे आपको बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कि दोस्तों इससे आपको सबसे पहला फ़ायदा ये होता है कि आपको मल त्यागने में आसानी होती है। दोस्तों आप अच्छे से बैठ जाते हो और अच्छे से दबाव बनता है और आपको खुल के पोटी आती है, ठीक है। पहला तो ये आपको फ़ायदा होता है। दूसरा ये होता है कि आपको पता ही होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान कब्ज होना और बवासीर होना बहुत ही आम बात है, तो अगर आप भारतीय शैली के शौचालय का यूज़ कर रहे हैं तो आपको बहुत हद तक कब्ज से और बवासीर से राहत मिलेगी। और इसके अलावा दोस्तों जो आपको नेक्स्ट फ़ायदा होगा इससे वो ये होगा कि दोस्तों ये मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर्स भी मानते हैं, उकड़ू अवस्था में बैठते हैं, उससे क्या होता है कि आपके जो मांसपेशियाँ हैं जांघ की वो मजबूत होती हैं और जहाँ से बच्चा होता है आपका वो एरिया भी काफ़ी मजबूत होता है, क्योंकि इससे एक तरीके से आपकी एक्सरसाइज हो जाती है तो वो काफ़ी मजबूत होता है, यानी कि नॉर्मल डिलीवरी में आपकी हेल्प कराता है। तो दोस्तों इसके अलावा आपको और क्या फ़ायदा चाहिए, ये फ़ायदे काफ़ी हैं कि आपकी मांसपेशियाँ मजबूत बनती हैं, आपकी नॉर्मल डिलीवरी में आसानी होती है, आपको कब्ज से छुटकारा मिलता है और आपको और आपका अच्छे से जो मल त्याग हो जाता है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान आपको ये रखना है अगर आप पहले से यूज़ नहीं कर रहे हैं, पहले से आप जो पाश्चात्य शैली से बने शौचालय का यूज़ कर रहे हो और एकदम ही आप भारतीय शैली से बने शौचालय का यूज़ करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ कर रहे हैं तो फिर ठीक है, अगर नहीं कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर से पूछ के उसके बाद ही आप यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही दोस्तों आपको पता है आजकल सभी के घर में जो है पाश्चात्य शैली के जो है शौचालय हैं, ज़्यादातर लोगों के घर में, बहुत सारे लोगों के घर में नहीं है लेकिन बहुत सारे लोगों के घर में है। अगर आपके घर में है तो आप क्या कर सकते हो, आप कहाँ से ढूंढोगे, आप पोटी तो नहीं कर सकते लेकिन सुसु कर सकते हो। सुसु करने के बाद अच्छे से पानी डाल दीजिए, साफ़ सफाई अच्छे से रखिए, तो आप उसमें भी बैठेंगे तो भी आपका थोड़ा इफेक्ट तो पड़ेगा ही। दोस्तों एक बात आपको ध्यान ये रखना है कि जहाँ पे ज़्यादा पानी वगैरह गिर रहा हो आपको ऐसे शौचालय का इस्तेमाल नहीं करना, या फिर ऐसे चप्पल और जूते का ही प्रयोग करें जो कि आसानी से फिसले ना। इसके बाद आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आपकी गर्भावस्था का समय व्यतीत होता जाता है, आपका पेट बड़ा होता जाता है, उस समय अगर आप भारतीय शैली का उपयोग करेंगे तो निश्चित तौर पे दोस्तों आपको परेशानी होगी उठने और बैठने में। तो उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, जैसे कि आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो आपने देखा होगा उसमें साइड में एक हैंडल लगा हुआ होता है, तो आप भी अपने घर में इस तरह की हैंडल लगा लें ताकि आप उसको आसानी से पकड़ के बैठ सकें और उसे पकड़ के आसानी से उठ सकें, या फिर कुछ ऐसा व्यवस्था कर लीजिए जिससे कि आप आसानी से उठ सकें और बैठ सकें, नहीं तो आपको बाद में दिक्कत हो जाएगी। दोस्तों इसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि आपका जो शौचालय है खुला हो, हवादार हो, उसमें दम घुटाव ना हो, और आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आपका जो बाथरूम की उसमें लाइट की व्यवस्था अच्छी हो। दोस्तों आपको ये ध्यान ये रखना है जब आप भारतीय शैली के शौचालयों का इस्तेमाल करते हैं तो असहजता महसूस हो रही है, आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर आपको कंफर्टेबल नहीं है, कुछ परेशानी हो रही है शरीर में, उस समय आपको डॉक्टर से ज़रूर बात करना चाहिए कि आपको क्या करना है, क्योंकि अगर हो सकता है आपके घर में पाश्चात्य शैली का जो शौचालय ना हो तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बहुत सारी ऐसी कुर्सियां मिलती हैं जिसमें कि आप आराम से बैठ के जो है पोटी कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपको पता ही है कि कितनी सारी दिक्कतें आती हैं और लास्ट के टाइम तो और ज़्यादा आती हैं, आप उबड़ू बैठ के ही सोच करें या फिर उबड़ू बैठ के ही आप सुसु करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये नॉर्मल सी बात है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं और आप टहल रहे हो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप खामखा में जो है वैसे ही शौचालय का इस्तेमाल करें, आप जो भी आपके घर में आप उसका यूज़ कर सकते हैं। पाश्चात्य शैली के शौचालय में दोस्तों अपने फ़ायदे हैं कि उसमें आपको टांग में दर्द नहीं होता आपके, आप आराम से बैठ के उसमें चाहे कितनी देर बैठ जाओ टेंशन नहीं होता, उठने का टेंशन नहीं होता, बैठने का टेंशन नहीं होता, जैसा चाहो आराम से कितनी देर में बैठ के कर सकते। दोस्तों अगर आपकी आदत हो चुकी है, अगर आप पाश्चात्य शैली में शौचालय करते आ रहे हैं तो बहुत मुश्किल है कि आप एकदम से ही जो है इंडियन शैली के शौचालय में जो है सोच करना स्टार्ट कर देंगे, बहुत मुश्किल है, बहुत परेशान हो जाएंगे और मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि आप मिनट दो मिनट से ज़्यादा बैठ भी पाएंगे, तो मुश्किल ही है। लेकिन अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप स्टार्टिंग से यूज़ करते आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है,
नहीं कर रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए, आप अपने टहलने पे ध्यान दीजिए, आपके और भी घर के बहुत सारे काम है उस पर ध्यान दीजिए, यानी कि एक्टिव रहना है आपको। अगर आप एक्टिव नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत, अगर आप एक्टिव रहते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों मुझे आप लोगों को बस इतना ही बताना था आज की वीडियो में कि आप भारतीय शैली के शौचालय का यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी अच्छा होता है प्रेगनेंसी के दौरान। बाकी पाश्चात्य का यूज़ भी कर रहे हैं तो वो भी ठीक है। तो मैं भी प्रेगनेंसी के दौरान जो है पाश्चात्य शैली के बने शौचालय का यूज़ करती थी, मेरा भी नॉर्मल डिलीवरी हुआ है। तो दोस्तों आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा आज का, आया होगा तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जो भी आपको अच्छा लगे आप वो कीजिए, लेकिन प्लीज़ कुछ कीजिए ताकि मेरा चैनल भी ग्रो हो। और दोस्तों मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखिए, अपने बच्चों का ध्यान रखिए और नमस्ते, थैंक यू।